क्या प्रॉब्लम है सर? और आप अंदर कैसे आए? दरवाजे से अंदर आया हूँ, कोई प्रॉब्लम है? ये बाहर काला डाला तुम्हारा खड़ा हुआ है। हाँ, ब्लैक वीगो मेरी है, क्यों? उसके ना नंबर प्लेट है ना रजिस्ट्रेशन है, कहाँ से लिया ये तुमने? सर मैंने ऑफिशियल डीलरशिप से परचेज किया है टोयोटा की, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अब एक नया रूल आ चुका है कि वीगो ब्लैक सिविलियन के पास नहीं हो सकती। सर लेकिन मैंने कोई कलर नहीं करवाया, ये तो मैंने ब्लैक ही ली थी। लेकिन ब्लैक वीगो आप लोगों को पता है कि किसका सिंबल है? वो सर पता है मुझे कि आर्मी यूज़ करती है, लेकिन सर रेवो रखना कोई जुर्म तो नहीं है ना? जुर्म नहीं है, लेकिन आजकल ब्लैक वीगो में हमारे नाम पे लोग जो हैं बंदे उठा रहे हैं और नाम आर्मी का ख़राब हो रहा है, इसलिए एक नया रूल निकला है कि सिविलियन के पास ब्लैक रंग की रिवो नहीं होगी। तो सर अब क्या करें, आप क्या जब्त कर रहे हैं मेरी वीगो? ठीक है, मैं चाबी आपको देता हूँ, ले जाएं। तुमने क्या मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला ठुल्ला समझा हुआ है कि तुम्हारी गाड़ी में टो करके यहाँ से ले जाऊँगा, जब्त कर लूँगा? वार्निंग दे रहा हूँ, जल्द अज जल्द या तो इसको सेल करो या फिर इसका कलर चेंज करवाओ, वरना अगर ये रोड पर दिख गई तो आर्मी एक्शन लेगी। ठीक है सर, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कानून का, लेकिन चले मैं अब करवाता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। और नंबर प्लेट भी लगा के रखना, ये सैंडी शोर से मुझे पता है यहाँ कानून को इतना फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है, समझे? जी सर। उम्मीद है मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। नहीं सर, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। चलो बॉयज। अबे क्या मुसीबत है यार, ये कौन सा रूल आ गया? और ये काली वीगो में कौन लोग उठा रहे हैं यार? सही कह रहे हैं सर, यार आर्मी को बदनाम करने के लिए लोग तुले हुए हैं ना, साजिशें हो रही हैं भाई आर्मी के खिलाफ। अबे क्या सीन है यार, कसम से। अबे ये गए अभी तक खड़े में, ये ना मुझ पर जासूसी कर रहा हूँ। मैं तो डर गया था भाई, कहीं मेरे बिजनेस का तो पता नहीं लग गया इनको। शिट यार, ब्लैक वीगो, मैंने तो कोई बदमाशी नहीं की, तो उसमें मेरी क्या गलती? और मेरा वैसे भी बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर तो है नहीं, चारकोल ग्रे कलर है मेरा। लेकिन नहीं भाई, अब इनकी क्या सुने, मैं क्या बात करूं? ये ना हो भाई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें तो मेरे दूसरे काम खुल जाएंगे, इससे बेहतर है कि भाई इसका कलर चेंज करवाओ। मैंने तो बोला जब्त कर लें, तो आगे से बोल रहे हैं क्या ट्रैफिक पुलिस वाला समझा हुआ? तो भाई बदमाशी कर रहे हो तो ले जाओ ना। खैर अच्छा हुआ यार, बचत हो गई। तलाशी वलाशी ले लेते ना, तब तो मैं गया था। अरे यार नंबर प्लेट भी मैंने नहीं लगाई हुई ना, वैसे सैंडी शोर्स में विदाउट नंबर प्लेट चलती हैं गाड़ियां, यहाँ नहीं देखी जाती रजिस्ट्रेशन। यार इसका कलर चेंज करवाना पड़ेगा, क्या करें? फिलहाल तो उसको खड़ा करता हूँ क्योंकि चला नहीं सकता, भरोसा नहीं है भाई, ये फिर रोक लें मुझे कहीं रास्ते में। कल इसको मैं ना लेकर जाता हूँ पेंट चेंज करवाने, फिलहाल इसको अंदर खड़ा करता हूँ भाई, ये ना दोबारा कोई और आर्मी की गाड़ी आ जाए। अजीब सीन है यार, कौन लोग हैं वो जो यार ब्लैक वीगो करा के बंदे उठा रहे हैं? यही होता है ना भाई, दहशत फैला रहे हैं यार लोग फजूल की। चलो यार, मैं बहुत कम सिविक को यूज़ करता हूँ, अब इसी को यूज़ करना पड़ेगा जब तक उसका पेंट चेंज नहीं हो जाता। मैं चाहता नहीं हूँ ना इसके सस्पेंशन ख़राब हों, सैंडी शोर्स के इतने रोड ख़राब हैं और ये इतनी लो गाड़ी है ना, इसके पहले भी जो है एक्सेल का काम आ गया था, लेकिन क्या करें, अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करते हैं फिर देखेंगे। चल मेरे डाले, जब तक तेरा कलर चेंज नहीं हो जाता तुझे ड्राइव करना बहुत रिस्की है। कल को पता चला भाई कोई ऐसे ही बंदे उठा ले वीगो में, नाम मेरा आ जाएगा और नंबर प्लेट भी उसने निकाली हुई हो तो ओहो क्या ही बात है, फिर तो मैं पक्का गया अंदर। नहीं भाई, आर्मी वाले जो कह रहे हैं फॉलो करना है भाई, कोई और दहशतगर्दी करेगा फंस हम जाएंगे।
चलो भाई, मैं निकलता हूँ यार, काम है मुझे, और ट्रक भी आने वाला होगा हमारे बैलों का, तो शाम में आके उनको भी देख लूँगा। अशरफ को मैंने कॉल कर दी थी कि ट्रक आने वाला है, तो बस जगह बना के रखो उसकी। बाकी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह दो जोड़ी तो बिक चुकी है, काम अच्छा चल रहा है। कल रात में मैं गया था, अच्छे सौदेबाजी कर रहा है अशरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दो जोड़ियाँ तो बिक चुकी हैं। अब बैल आ जाएंगे तो चार चांद लग जाएगी, रौनक हो जाएगी। तो यार अच्छा है, बस काम अच्छा चल रहा है। अब बकरे और ऊँट आने हैं, वो अशरफ लगा हुआ है। मैंने बोला पहले बैल आ जाइए, फिर उसके बाद तुम ये कर लेना। तो बस खैर, अशरफ देख रहा है, अशरफ पर पूरा भरोसा है यार। बाकी अगर आप लोगों को जानवर चाहिए तो अशरफ भाई से कॉन्टेक्ट करें और टाइम निकाल के आप चले जाएँ, मंडी बहुत ज़बरदस्त चल रही है हमारी। ये मैं पेमेंट इधर जमा कर दूं? सही लॉक हो गया। सुट्टा मार ले यार अब भाई, आज तो भाई फुल रश लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सेल तो उधम हो रही है, और आज हमारे बैल भी आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन बैल। ये नासिर अभी तक आया क्यों नहीं आया? ओह सॉरी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होगे। भाई कल शॉपिंग पे भी चला गया था मैं, तो ये तीन चार शर्टें ले ली, तो कैसा लग रहा है आपका भाई? अच्छा लग रहा है ना भाई? ये सेफ भी ले लिया क्योंकि यार बिक्री हो रही है अच्छी खासी। ट्रेवर भाई रात में आते हैं पर सारे पैसे ले जाते हैं और हमें हमारे खर्चे के दे जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योर्ड नहीं है ना भाई, इसलिए भाई एहतियात है। हम जब तक हैं तब तक ठीक है। तो भाई खूब सेल हो रही है यार, वो देखो हम लोग चारा भी एक्स्ट्रा लेकर आ गए हैं भाई, कि बार बार जाना पड़ता है। गाड़ियाँ फ़िलहाल हमने उधर लगा दी, अभी अभी शायद सौदा चल रहा है भाई। कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं, रेट पूछ के शार्ट हो जाते हैं। खैर, एक बैल कल रात में यहाँ से गया है, दो जोड़ी कल ये बिक गए, तो ये दो ही बचे हैं। और मेरे ख्याल में अपनी एक धनो बची है, बस एक बची है मेरे ख्याल में। अशरफ भाई ने सौदा कर तो दिया, ये मोटा जो है ना बड़ी माँ चोद रहा था, लेकिन अशरफ भाई ने पेल दी है। एक इसने ये बैल लिए खस्सी, और एक ये बछिया लिए, बस यही जानवर बचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी निकल ही जाएंगे बस। ये नासिर किधर रह गया? इसको सुजुकी लाने को कहा था। हाँ वो सही सही कर रहे हैं बड़े भाई आप। हाँ अभी किधर है भाई सुजुकी? किधर है यार? पार्टी वेट कर रही है भाई जानवर चढ़ाने। हाँ ये अभी तक आया नहीं मनुष, किधर गया इस साला कुत्ते का बच्चा? नासिर, ओ भूतनी के कहाँ है नासिर यार? अंदर आके देख लो क्या कर रहा हूँ। जल्दी बाहर आ, क्या कर रहा है? जलेबियाँ बना रहा हूँ अंदर। अबे भाई पार्टी कर रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। पार्टी खड़ी हुई है यार, जल्दी लेके जा जानवर। आप लेकर चले आओ, नहीं तो अबे मैं कहाँ से लेके जाऊँ, मैं इधर देखता हूँ काम। तो फिर सबर करो ना, अभी उतार कर आया हूँ एक जानवर, नहीं तो यार। तो अच्छी बात है ना, जल्दी बिक्री हो रही है। अभी सबर करो, बस 5 मिनट दो मेरे को, मैं आ रहा हूँ। जल्दी पहुँच यार अशरफ भाई, इंतजार कर रहे, गालियाँ देंगे तुझे। तो इसमें कौन सी नई बात है, वैसे भी गालियाँ देते हैं वो। देख रहे हो भाई, अगर मैनेज ना करूँ ना पूरा ऐसे तितर बितर हो जाता है मामला। ये सब लगे हुए थे तो चारा फिर मैं ही लेकर आया यार, निशान में लेकर आया। मैंने बोला यार चारा ला के रखता रहूँ, ताकि ये फिर बनाते हैं ना तो फिर खिलाते हैं। मुझे ट्रेवर भाई ने सुबह कॉल भी की थी कि ट्रक आने वाला होगा, बस तुम ना जानवर उतरवाना उसके साथ, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ भाई, कब आएगा ट्रक यार। पकड़िया अच्छिया रखिया, साथ में बच्चियाँ पहलिया, पर तू मैनु बारी जच दी। इसका क्या मेरे को नहीं आता, लेकिन गाना बड़ा टाइट है यार। चल भाई जानवर चढ़ाए, देखते हैं यार कौन से पहले हैं अशरफ भाई ने। आबिद भाई किधर? यार अशरफ भाई वेट करें, उधर जा। ठीक है कौन से चिपका है जरा मैं भी देखो। बचिया निकाल दी भाई, बचिया निकाल दी, बीमार होने वाली थी भाई। हाँ भाई भाई रिवर्स रिवर्स में लगाना फिर। हाँ लगा रहा लगा रहा। चल मेरा भाई।
चला चला जानवर चढ़ाओ भाई, जानवर चढ़ाओ। चला शरभ भाई बचिया लेकर आओ। अबे बचिया पहले नहीं चढ़ाते, पहले बैल चढ़ाते हैं। क्यों बैल क्यों चढ़ाते? अरे बैल नहीं चढ़ेगा भाई, पहले बचिया चढ़ा दो। अबे बैल चढ़ा दे भाई, नहीं तो मसला हो जाएगा इसका। ये तुझे पता है हड़ाउडी बड़ा करता है, ये बदमाश है साला। मैं कह रहा हूँ ना बचिया चढ़ा दो, बचिया को देख देख ना पीछे से ये भी चढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना? अबे माँ अबे खस्सी है बहुत चढ़ेगा ये कहाँ चढ़ेगा? अब फिर भी यार खस्सी तो है लेकिन दिल तो है ना बेचारे का। अबे क्या चल ठीक है यार, चल मैं बचिया लेकर आता हूँ। रानी क्या बात? अरे अरे रानी पीछे आ जा। आराम से। ये पकड़ा मेरा पकड़ा आप। ये शाबाश, बड़े प्यार से आ गए, बड़े प्यार से आ गए मेरी रानी। एक्सपर्ट आदमी है यार अशरफ भाई, आपके नहीं आएगा तो कैसे आएगी? चल भाई अब इसको लेकर आते हैं। ये आराम से चढ़ जाएगा मैं कह रहा हूँ। आ जाएगा ये भी आ जाएगा। आ जा सलमान। सलमान आ जा सलमान। अशर भाई काम करो, बचिया के थोड़ी सी दम उठाओ फिर आ जाएगा। अबे क्या हो गया भाई? नहीं है आंडू नहीं है भाई, ये ऐसे ही आ जाएगा। आ जा। कुत्ता थोड़ी है, कैसे चढ़ा रहे हो? वो एक काम कर, डूम डूम पकड़ इसकी, मैं मोरा पकड़ दूँ, मोरा मेरे को दे। हेलो पकड़ो। हिच। अशर भाई ज़्यादा टाइट नहीं बनना यार, ज़्यादा टाइट नहीं बनना। नहीं मैं ढीला थोड़ा गर्दन में बनना फट जाएगा इसका। उतरना भी होगा मेरे का भाई, हल्का बनना। अब ऐसे घिटान बनता था पर मेरे से गलती नहीं है मेरे को। अभी लास्ट जानवर जो उतारे खड़ा है ना, आपने इतना ठेठ बन दिया था कि मेरे को छुरी से काटना पड़ा। अबे नहीं भाई ढीला बन रहा हूँ, टूटी तेरे को घिटाने खुलनी डाटी टूट गया। ये ले बस डन कर दिया मैंने। चल भाई पहुँचा के आप हमें जा रहा। आ जाओ भाई जान, आगे आ जाओ। ठीक भाई जान चले, बहुत शुक्रिया यार, आराम से जाइए, पहुँच जाएंगे आप। ये अपना मास्टर ड्राइवर है, जल्दी पहुँचा देगा। मैं पीछे चढ़ के आऊँगा। चले कोई बात नहीं, आप पीछे चढ़ जाइए। यार पीछे वजन ज़्यादा हो जाएगा यार। तो गाड़ी कौन सा व्हीली मार लेगी आगे भाई? शो के यार किसी का भाई, गली में बंदा जाता है इंटर हो तो भाई गए तो बंदा जो है वह देखे ना यार के भाई कौन लेकर आएगा, है ना? ऐसी बात है ना? हाँ ऐसी बात है। चल बेटा तू वेट, वो चढ़ रहे भाई जान राना से, जल्दी पहुँचा के फटाफट आ, तुझे बड़े पार्टियाँ खड़ी हुई हैं, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। मैं जल्दी आ जाऊँगा यार, मिलते हैं जाएंगे और क्या करें भाई। चढ़ जाओ भाई जान आप, चढ़ जाओ। गाड़िया उचिया रखिया पर तू मेरे बारी जचेरी। कैसे चढ़ेगा ये भी? टी शर्ट और बेल लगेगा चढ़ता भैया। आप सुजुकी बड़ी छोटी जगह नहीं है भाईजान, अभी भी कह रहा हूँ मैं आगे आ जाऊँ, जगह नहीं है पीछे, लत्ती पड़ जाएगी, ये बैल बढ़ जा रहा है। अच्छा और आगे ही आ जाता हूँ। ये सही कह ना, आ जाओ भाईजान आ जाओ। चल मेरे भाई हमारे पास बड़ा ट्रक नहीं है ना, वरना आप आराम से पीछे खड़े होकर जाते। असल में हमारे जो जानवर है ना वो बड़े तगड़े माशाल्लाह से, तो भाई पूरी जगह वही कर लेते। फिजूल में आपको पीछे लत पड़ जाती तो अच्छा होता। पहले आप एड्रेस बता दीजिए कहाँ जाना है। लस सेंटर्स पर जाना ना? चलो ठीक है, एक मिनट में डाल लेता हूँ एड्रेस। चलो ठीक है, अरे पहुँच जाएगा तीसरा मैदम चौथे में हम। हाँ भाइयों अभी तक तुम लोग मंडी नहीं पहुँचे भाई, जानवर टप बिक रहे हैं भाई, आज भी पहन लिया जानवर भेड़ की आँख। अबे भाई लोगों के पास बजट ही नहीं है भेड़ की आँख आके भाई जेब में लाख रुपए रख कर ला रहे हैं, 40,000 रुपए रख के ला रहे हैं भेड़ की आँख। तुम लोग कहाँ आए हुए भाई? जाके बाड़े से जानवर लो फिर। अरे नस्ली जानवर है भाई हमारे पास। वैसे आधी आवाम जो है ना यार ऐसे विंडो शॉपिंग करने आती है, रेट पता करने आती है भेड़ की आँख। अबे महंगाई बहुत है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है यार, क्या करें यार, महंगाई की वजह भी है। मैं भी थोड़ा हल्का रख लेता हूँ, मना तो जलील करूँ इनको। ये भोसड़ी वाला कब से खड़ा हुआ है, बात करता हूँ इससे। हल्के जानवर पे इसका रेट नहीं रहा, ये भारी जानवर देख रहा है भाई। हाँ भाई जान माइंड बना फिर कुछ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे जानवर हैं। अच्छे तो हैं भाई जान। ये रेट क्या है इनके?
काला सफ़ेद जो है ना ये 2.5 लाख और अगर डोरी में चाहिए कत्थई सफ़ेद तो 5 लाख की डोरी हो जाएगी फाइनल। चलो आपके लिए जो है ना 480 फाइनल। मेरी तो इतनी रेंज नहीं है भाई। रेंज नहीं है तो खैर चलो भाई, रेंज नहीं है तो भाई आप हल्के जानवर देख लो, ये पीछे बछिया देख लो। ऐसे बैल ही चाहिए। बैल चाहिए तो भाई जान बेलचा ले लो, इतने पैसों में आपका बेलचा ही आएगा। तो भोसड़ी के कब से बना रहे तू वीडियो भाई? ये एक तो यार ये सोशल मीडिया के भोसड़ी के ये टिकटॉकर और ये इंस्टाग्राम रील वालों ने ना माँ छोड़ के रखी हुई है। आते हैं पूछते हैं भाई ये कौन सा जानवर रखे हैं, वीडियो बना के बड़े बड़े शर्ट हो जाते हैं। मैंने पहले बोला है बेटा वीडियो बनानी है ना 5,000 रुपये रखवाओ यहाँ पे, फिर वीडियो बनाओ शर्ट हो फ्री फंड में नहीं भाई। इसको तो मैं जाते जाते इससे ना पैसे निकलवाए ना मैंने भोसड़ी वाले से। हाँ भाई जान नस्ली हैं माइंड बने तो आ जाना भाई, डेडी खड़ा है। भजन दो ही बचे हैं बस, दो ही बचे हैं, कंचा पीस है सिब्बी का माल है। अबे वो साइड में उठाओ तुम, ये तुम्हारी औकात से बाहर उधर देखो जानवर। हाँ सपाटर क्या सीन है अभी तक बेल नहीं आए बहन को, यार पता करो। मैं पता ही कर रहा हूँ भाई, वो बंदा पता नहीं किसका नंबर दिया है, कॉल किया कॉल ही नहीं उठा रहा। मैं भाई रास्ते में ही होगा, ड्राइवर भाई ने बोला था आज के आज पहुँच जाएंगे भाई। हाँ पहुँच जाए भाई जल्दी, जानवर वैसे खत्म होते जा रहे हैं हमारे पास। टेंशन नहीं है, मैंने ड्राइवर भाई को बोला स्टॉक मंगा लेंगे, टेंशन नहीं है भाई, यहाँ से नहीं तो कहीं और से आ जाएगा, फिक्र नहीं कर तू। बकरे और ऊँट का क्या हुआ? अभी आज अपने ये ऑस्ट्रेलियन बेल आ जाए फिर बकरे ऊँट भी हो जाएंगे, बंदे से बात कर ली है मैंने, कल तक अपना जो है ना सारा हो जाएगा। अबे ये अपने ऑस्ट्रेलियन बेल आए भेड़ की यहाँ तब रौनक लगेगी मंडी की भाई। हाँ यार रौनक तो अभी भी है माशाल्लाह से। पैसे डाल दिए ना तूने अंदर? हाँ रख दिए पैसे मैंने। चल सही है, अरे छोटा बेला भाई डलब हो रही है। ट्रेवर भाई का क्या सीन है, आ रहे क्या? भाई तुझे पता है उसके सॉफ्टवेयर अपडेट होने होते बताए उसका। अरे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, वो नया रूल आ गया ना भाई, काली वीगो कोई नहीं रख सकता। अबे ये बड़ा टूटिया हुआ भाई, मंडे की वीगो है बंदा काली रखे भाई, निराली रखे, नीली रखे, पीली रखे वेण की। अशरफ भाई ये आप अभी कह रहे हो, जब उठा के लेके जाते ना तो फिर आप भी उनके सामने वो हो जाते हो। अबे तो उनके सामने क्या उनको गालियाँ दूँ मैं, मेरे को मरना है क्या, भागल हो गया क्या? और अशरफ भाई यार ये मैं कब से जो है ना साफ कर करके थक गया हूँ, आप ये जो मावे की पीके फेंक रहे हो ना पीछे वो तो अजीब लग रहा है। अबे तो कौन रहा ये अपना घर है भाई, कहाँ फेंकूँ उधर फेंकूँ, तो जानवर है अबे कस्टमर है यार। एक और ऐसा देखें, एक चूतिया आया था आपकी तरह नहीं, मतलब वो भी गुटखा खाता था। तो मतलब तू क्या कह रहा है, गुटखा खाने वाले सारे टूटे उठे कुछ होते हैं भाई, तमीज़ नहीं होती। वो देखें पानी पी रहा था उसने कूलर पे ही कर दिया। कि वेण की टूट किसने किया ये? वो चला गया वो बंदा। ए जंगली के बटे, ओ भाई ये कस्टमरों को पानी नहीं देना है। अरे क्या हो गया अशरफ भाई, पानी मांगेंगे देंगे ना। अबे भाई कल तूने भी बोला था, हाँ भाई वो एक बंदा पूछ रहे हैं बाथरूम मीटर ये तुमने उसको भेज दिया भाई, उससे बोलो जब जानवर कोई परचेज नहीं करेगा तो ना वो हगेगा और ना पानी पिएगा भाई, ये कस्टमरों के लिए है भाई। चले अब यही बोलूँगा, मतलब क्या एक गिलास पानी के लिए बंदे को गाय खरीदनी पड़ेगी? अबे वो बात नहीं है भाई, हमने कोई ये सैलानी का वेलफेयर ट्रस्ट नहीं खोला हुआ है भाई, हर बंदा आके पानी पी लेगा। अब्दुल सत्तार एडी नहीं खड़ा हुआ इधर, अशरफ भाई खड़े हैं। वैसे वो देख वो बहन की टूट कपड़े वीडियो बना रहे, टिकटॉके बना रहे, ये बड़वे को जाने मत दिए बता रहा हूँ मैं, नजर रखे इस पर। हाँ वो पैसे तो मैं निकलवाऊंगा ऐसी की तैसी, जो भी नहीं तो मोबाइल छीन लूंगा। अबे हाँ माँ के कुछ दिन की खरीदते वरीदते हैं नहीं, बोसड़ी के अपना कंटेंट बनाने में आए हुए माँ के कुछ। अच्छा भाई मुझे नहीं लगता इनमें से कोई खरीदेगा, सारे ऐसे ही हैं। अबे बजट ही नहीं है, सालों के बाद आके अपने यकीन कर अपना दिल पूरा कर रहे हैं आके, शौक है ना तो इनको, बहन के जेब में पैसे वैसे है नहीं, महंगे जानवर है भाई। मेरे ख्याल में बकरे वगैरह आ जाए ना तो बकरों में माइंड बन जाए। बकरों में कहाँ बनेगा इनका, ये बड़े जानवर चाहिए। अरे मैं तो छोटे छोटे हल्के भी लें, ट्रेवर भाई से बात करूँगा कि भाई बड़ी पार्टियाँ बहुत कम आ रही है, हल्के वालों की बहुत आ रही है, कुछ हल्के भी ले आते हैं। चले हाँ हल्के भी करने, वैसे जगह तो बहुत खाली हो गई है। बट एक अपनी जो बीमार बच्ची है ना वो निकल जाए बस, कोई ऐसी टूटिया पार्टी है ना उसको निकाल लेता हूँ, पेल लेता हूँ मैं। हाँ वो थोड़ी कमज़ोर भी हो गई है, डबी तो नहीं बिकरी, चल वो मैं देख लूँगा। वैसे भी शाम में रस बढ़ जाता है, अपने ऑस्ट्रेलियन बेल मैं कहता हूँ दिन में आ जाना, रात की जो रौनक होगी अभी ऐसी वैसी रौनक होगी भाई, फुल A1 होगा सीन। बस यार आ जाए पता कर तू यार, जब तक मैं टांगे सीढ़ी करूँ यार थक गया मैं। हाँ आप आराम कर लें। चलिए भाई आराम करें।
बेचारे अशरफ भाई की मेहनत है भाई, थक जाते हैं। आराम कर लें वैसे भी यार, बार्गेन करने में और लोग ऐसे चुतियापे के आते हैं कि भाई दिमाग ख़राब करना पड़ता है भाई, एनर्जी लग जाती है। भाई यार इस सब जगह ये पीक वीक फेंक देते हैं, बड़े मेले लोग आते हैं यार कसम से। ये ज़रा मैं सफाई कर लूँ यार। भैया पलट पलट कर देख रहे हैं लोग, पलट पलट कर देख रहे हैं, आप ऐसी जंगलियों की तरह चला रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। अरे नहीं जानवर बड़े अच्छे हैं भाई, लोग तो पलट कर ही देख रहे ना, ये देखो यहाँ से कैसे कट मारूंगा मैं, जल्दी पहुंचाऊंगा फिर गंदी करो। अरे क्या कर रहे हो आप, नहीं एक कप जरा चाय बनवा लो घर में, क्योंकि यार जानवर उतारे कल थोड़ी थकन हो जाती है ना, जरा चाय भी पी लेंगे। आप चले तो सही। अबे क्या ब्रेक मार रहा है जेल का बच्चा, अरे क्या हल्के चला भाई, ऐसे जंगली लोग है पता नहीं कैसे कैसे रोडों पे आ जाते हैं यार, गाड़ी चलानी नहीं आती उन लोगों को। आप सही चलाए, आपको खुदा का वास्ता है भाई। देख रहा भाई जान मैं कितनी जल्दी बजा रहा हूँ आपका, देख रहा तो जरा 500 रुपये मेरे एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो मजा आ जाएगा। अरे 4000 की तो बात हुई है। अरे क्या हो गया भाई जान, क्या हो गया, महंगाई देख रहे हो, आपको ऐसी फर्स्ट सर्विस कोई नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ नसर देगा इतनी फर्स्ट सर्विस। आप एक काम करो मेरा नंबर नोट कर लो, कभी भी आपको कोई और काम भी हो ना, घर वर का सामान जब शिफ्ट करते हैं तो बुला लेना मेरे को, मैं सामान उतरवा के अपनी सुजुकी में चढ़ा के वो भी भिजवा दूँगा, ऐसा मसला नहीं है। हाँ मेरा नंबर नोट कर लो, नासिर नाम है मेरा, छोटे मोटे काम के लिए आप कॉल कर सकते हो मेरे को। वैसे असल मेरा जो स्पेशलिटी है ना वो कबड्डी हो गया, अगर कबड्डी का माल वगैरह बिकवाना है या कुछ है तो वो भी मेरे से बात कर सकते हैं आप, ठीक है। अरे बस देखो कैसे पहुँचाते हैं यार, देखो ऐसा खड़े मारे आपका भाई पहुँचाएगा, टेंशन नहीं लो जल्दी पहुँच जाएंगे अपन। शुक्र अपने ऑस्ट्रेलियन बेल आ गए, अशरफ भाई उठ जाए, बेल आ गए। मारकोस